Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the dates issued by University of Mumbai for examination. So I am going to discuss all the dates of the various examination. So watch the video till end. तो आज मैं आपको सारी डेट्स बताने वाला हूँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने डिसाइड की है फॉर द एग्जामिनेशंस. सो सारे डेट्स हम आज देखने वाले हैं. सेम वन, सेम टू, सेम थ्री, सेम फोर, सेम फाइव, सेम सिक्स. पहले हम रेगुलर की बात करेंगे. सो अगर हम देखें तो टी वाई बी कॉम सेमेस्टर सिक्स का जो एग्ज़ाम है सी बी जी सी एस पैटर्न, दैट इज़ 75-25, जिनका भी पैटर्न है 75-25 पैटर्न का एग्ज़ाम होगा 3 अप्रैल से. तो 75-25 के पैटर्न का एग्ज़ाम है 3 अप्रैल से. टी वाई बी कॉम सेमेस्टर सिक्स जो 100 मार्क्स अपियर कर रहे हैं चॉइस बेस्ड जिनका भी है, उनका एग्ज़ाम होगा 3 अप्रैल से. सो टी वाई बी कॉम का भी सेम सिक्स जो चॉइस बेस है, दोज हु आर अटेम्प्टिंग फ्रॉम द कॉलेज एंड गिविंग पेपर फॉर 100 मार्क्स, दे हैव दर एग्ज़ाम फ्रॉम 3 अप्रैल. फिर अगर हम एम कॉम की बात करें, एम कॉम ई कॉमर्स सेम फोर 2018-19, उनका एग्ज़ाम होगा 16 अप्रैल से. देन अगर हम बी कॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की बात करें, सेम सिक्स एडिशनल, सेम सिक्स सी बी जी सी बी एस जी एस 75-25 पैटर्न, उनका एग्ज़ाम होगा 22 अप्रैल से. सेम सिक्स चॉइस बेस जो रिवाइज है 2018-19 से, उनका एग्ज़ाम होगा 22 अप्रैल से. देन इट्स बी कॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बी कॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 75-25 अगेन 22 अप्रैल. सेम सिक्स चॉइस बेस जो है 22 अप्रैल से होने वाला है. फिर बाकी बहुत सारे हैं, आप अपने बेसिस पे अपने डेट्स देखें, और अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. बीएमएस का भी है, बीएमएस का जो 75-25 है उनका होगा 22 अप्रैल, चॉइस बेस भी 22 अप्रैल. सो ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नहीं है, सेम डेट से एग्ज़ाम कमेंस होने वाले हैं. जल्दी आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, जैसे ही टाइम टेबल यूनिवर्सिटी की साइट पे आएगा वैसे ही मैं अपने वीडियोस में भी टाइम टेबल डाल दूंगा, सो दैट आपको भी वो टाइम टेबल पता चले. सो काफ़ी सारे डेट्स यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किए हैं. BMS, MBA, MBA के भी डेट्स दिए हुए हैं. BMS सेम टू 29 अप्रैल, BMS MBA सेम सिक्स 29 अप्रैल. फिर MMS के भी काफ़ी सारे डेट्स दिए हैं, सिक्स्थ में से स्टार्ट हो रहा है MMS. सो हम अभी कॉलेज एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे. टी वाई बी कॉम ईयरली जो है, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देते हैं, दैट मीन्स दो स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एडमिशन्स इन द कॉलेज एंड डायरेक्टली अपियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उनको हम आइडल स्टूडेंट्स बोलते हैं. आइडल स्टूडेंट्स आर इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग स्टूडेंट्स, उनका ईयरली एग्ज़ाम होगा 20 मई से उनका एग्ज़ाम होने वाला है. फिर टी वाई बी कॉम सेम फाइव 75-25 पैटर्न 20 मई से होगा. टी वाई बी कॉम सेम फाइव चॉइस बेस रिवाइज 2018 में, जो चॉइस बेस अभी देंगे बच्चे जिन्होंने सेम फाइव दिया है लेकिन सेम फाइव क्लियर नहीं हो पाए, उनका एडिशनल एग्ज़ाम होगा 20 मई से. सो बाकी सारे ये जो अभी डेट्स मैं पढ़ रहा हूँ ये सारे एडिशनल्स के डेट्स है. तो दीज आर ऑल द डेट्स ऑफ द एडिशनल एग्जामिनेशन. आप अपने बेस पे वीडियो को पॉज करके देखते रहे कि कौन से डेट्स आपको एप्लीकेबल है. अब हम बात करेंगे एम कॉम के बारे में. तो एम कॉम सेम टू
सीबीएसजीएस का एग्जाम होगा 21 में से, सेम सेकेंड चॉइस बेस का एग्जाम होगा 21 में से, सेम फोर जो सीबीएसजीएस है वो पहले वाले स्टूडेंट्स है, चॉइस बेस अभी जो रेगुलर चल रहा है उन वो वाले स्टूडेंट्स है। फिर एमकॉम सेम वन 4 जून से, अगेन सेम वन चॉइस बेस 4 जून से। एमकॉम पार्ट वन ईयरली दोज हु आर अटेम्प्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी आइडल स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा 4 जून से। एंड एमकॉम पार्ट टू ईयरली जो आइडल स्टूडेंट्स है जो यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनका एग्जाम होगा 6 जून से। एमकॉम सेम थ्री जो एडिशनल एग्जाम होगा 6 जून से, एमकॉम सेम थ्री चॉइस बेस वो भी 6 जून से होगा। सो दैट्स इट, दिज आर दी डेट्स अनाउंस बाय यूनिवर्सिटी। तो ये सारे डेट्स अनाउंस किए हैं यूनिवर्सिटी ने, जैसे ही टाइम टेबल आएगा वैसे मैं आपको टाइम टेबल भी इन सारे डेट्स का बताता हूँ। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो कॉलेज एग्जाम होंगे FYBCOM SYBCOM के, उनकी डेट्स। सो कॉलेज एग्जाम के जो डेट्स फाइनलाइज हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। FYBSC चॉइस बेस सेम वन होगा 25 मार्च से, दैट मीन्स दीज आर ऑल एडिशनल्स। जो सेम वन में क्लियर नहीं हो पाए हैं उनका एडिशनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 25 मार्च से। सारे डेट्स नीचे दिए हुए हैं, सभी लाइन से 25 मार्च है, मतलब सभी लोगों का 25 मार्च से ही एग्जाम होने वाला है, चॉइस बेस हो एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के हो। तो आप अपने बेसिस पे, अपनी स्ट्रीम्स के बेस पे अपना डेट्स देखें, और अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वाइल आइडेंटिफाइंग द डेट्स कि उनका डेट कौन सा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर गाइडेंस दूंगा। सो अगले SYBSC के बारे में आया है, SYBSC सेम 4 चॉइस बेस 16 अप्रैल, SYBSC कंप्यूटर साइंस सेम 4 चॉइस बेस 18 अप्रैल। फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, FYBCOM सेम 1 चॉइस बेस, सेम 1 चॉइस बेस मतलब अभी जिन्होंने एग्जाम दिया था सेम 1 का और जो क्लियर नहीं हो पाए कॉलेज स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स, उनका एडिशनल एग्जाम होगा 25 मार्च से। और FYBCOM का सेम 1 सभी लोगों का चॉइस बेस डिफरेंट 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 स्पेशलाइजेशन के बेस पे है, दैट विल बिगिन फ्रॉम 25 मार्च। सो सभी का 25 मार्च ही डेट दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो पाए। SYBCOM का भी वैसा ही सिमिलर, SYBCOM सेम 3 जिन्होंने दिया था, जिनको KT लग गई सेम 3 में, उनका भी एडिशनल स्टार्ट होने वाला है 25 मार्च से। तो 25 मार्च आपको डेट याद रखना है, सेम 1 एडिशनल, सेम 3 एडिशनल। फिर FYBCOM का जो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है आगे, 4 अप्रैल। सो वो FYBCOM के लिए चॉइस बेस का डेट है फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। फिर SYBCOM का सेम 4 होगा 16 अप्रैल से, SYBCOM का सेम 4 होगा 16 अप्रैल से। एंड FYBCOM का सेम 2 होगा, लास्ट में दिया है 56 नंबर में, आप चेक कर सकते हैं। FYBCOM का सेम 2 चॉइस बेस 30 अप्रैल से। सो 30 अप्रैल से सेम 2 का चॉइस बेस, SYBCOM का सेम 2 चॉइस बेस 16 अप्रैल, मतलब पहले SY का एग्जाम होगा उसके बाद FY का एग्जाम होगा। फिर बाकी सारे भी डिटेल्स आपको दिए हैं। सो आप अपने बेसिस पे अपने डेट्स चेक करें, अगर आपको किसी भी डेट्स में कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जैसे ही टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, आई विल पुट ऑन माई चैनल एंड आई विल एक्सप्लेन द डेट्स ऑल्सो विद दी वेरियस पेपर्स। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। Work harder, be smarter.